नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। आपका नाम? मेरा नाम सतवीर प्रधानपुर, प्रधान सतवीर बजीरपुर। क्या परेशानी है आपको? आपके यहाँ जैसे आवारा पशु हैं, आप क्या क्या दिक्कत है आपके साथ में? हमारे साथ में परेशानी है, हमने जिस खेत में खड़े हैं, ये 7 बीघा खेत है मेरा, और इसमें हमने पहले मूंगी बोई थी, मूंगी खा गए, उसके बाद सरसों बोई, पूरी सरसों को खा गए, और एक कोने में जरा सी सरसों खड़ी है इधर। और योगी जी ने कहा था कि इनको हम जो है गौशाला बनाएंगे, वो करेंगे, कब बनेंगे, क्या होगा, और गाँव में कोई इनकी व्यवस्था नहीं है, क्या करें? अगर इनको कहीं बंद करते हैं तो FIR दर्ज कराते हैं गवर्नमेंट। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से मांग करते हैं इन बिचारों को कहीं भी किसी भी गौशाला में यहाँ से ले जाया जाए, और हमें ताकि परेशानी से मुक्त किया जाए। ये बिचार जो है कितनी तो भैंसों पे ज्ञापन में चढ़ चुके हैं, और कई लोगों की हमारे यहाँ की जो है बहुत बेचारे गरीब हैं, उनकी भैंस जो है अपने आदमियों का चोट मार रहा है, दोबारा गिर चुकी है, नाश होगा भैंसों का भी। आपका नाम? राजकुमार त्यागी। क्या समस्या है? समस्या है ये आवारा पशु जितने भी हैं, ये हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इतना नुकसान पहुंचा चुके हैं कि हम बर्बाद हो चुके हैं। इस फसल को बोते हैं और ये खा जाते हैं या उसे खुंदेड़ मचा देते हैं। कई पशु ऐसे भी हैं जो हमारे जो है ज्ञापन थे, और उनके ऊपर इन्होंने जो है थोड़ा सा ऐसा कर दिया कि वो लवारा फेंक चुके हैं, पूरा ब्यांत खराब हो चुका, तो हम कहाँ जाएँ? क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि हमारा इससे समाधान हो इसका, और इनसे निजात मिल जाए हमें, और हमारी इनसे कोई मांग नहीं है।